गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस सर आज आप लोगों को क्लास सेवन का और फ्रैक्शन स्ट्रक्चर है उसका क्वेश्चन नंबर डी का थ्री से समझाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से उसको समझेंगे और जो प्रॉब्लम होगा आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन कहता है कि साहिल वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। साहिल जो चाहता है कि एक पिक्चर को फ्रेम में रखना। द पिक्चर इज 7x3.5 सेंटीमीटर वाइड टू फिट द फ्रेम। द पिक्चर कैन नॉट मोर देन 7x3.10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। मतलब कि एक पिक्चर दिया हुआ है और एक फ्रेम है, उस फ्रेम में उसको उस पिक्चर को रखना है। तो ये बताना है कि कितना उसको ट्रिम करना पड़ेगा, मतलब कितना उसको मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि पिक्चर कितना सेंटीमीटर वाइड है, 7x3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद द पिक्चर कैन नॉट मोर देन 7x3.10 सेंटीमीटर वाइड। और पिक्चर जो है कि 7x3.10 सेंटीमीटर से ज्यादा उस फ्रेम में नहीं आ सकता है। तो कितना ट्रिम करना होगा, कितना उसको मोड़ना होगा, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे दोनों। ठीक है, जो फ्रेम है चूंकि ज्यादा मोड़ना किसको है, तो मोड़ना है पिक्चर को। पिक्चर को फ्रेम में लगाना है, पिक्चर बड़ा है और फ्रेम छोटा है, तो कितना उस पिक्चर को ट्रिम करना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ये पिक्चर के ब्रेथ में से जो फ्रेम है उसके ब्रेथ को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रिशु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, हाउ हु डिड द लॉन्गर शेयर एंड बाय हाउ मच। कहता है कि रिशु जो है वह 3/4 पार्ट्स इस एप्पल का वो खाता है और रिमेनिंग जो है वो अपने भाई को देते हैं, सोमू वो खाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि होल पार्ट को हमने क्या बताया था, वन। होल पार्ट को क्या बोलते हैं, वन। और रिशु जो है वो 3/5 पार्ट खाया, तो उसका ब्रदर कितना खाया, उसको फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, हम लोग वन में से 3/5 को माइनस कर देंगे। ये जो माइनस हो जाएगा ये किसका निकलेगा, सोमू का, कि वह सोमू कितना खाया सो। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हु डिड, हु हैड द लॉन्गर शेयर, कौन सबसे ज्यादा शेयर किया है, एंड हाउ मच, मतलब ये बताना है उसको कि कौन ज्यादा खाया, कौन कम खाया और कितना। तो कितना के लिए हम क्या काम करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। क्वेश्चन 5, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स, वेबर फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स, हु वर्क लॉन्गर, वर्क कौन लंबे समय तक काम किया, कौन ज्यादा समय तक काम किया, ये फाइंड करना है। तो दोनों में देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है, है ना। तो बड़ा कौन है इसमें फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन बोलता है कि बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना हुआ, तो मतलब कि उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, फिर व्हाट शुड बी एडेड टू 2/3/5 टू गेट 4/1/2। व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करें, 2/3/5 में क्या ऐड करें कि 4/1/2 आ जाए ना। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, उस नंबर को x मान लेंगे, तो x मान लेते हैं कि ऐड करते हैं 3/5 में, तो 4/1/2 आ जाए ना। तो याद रखना है कि जब एडेंट्स हम लोग को फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, समेशन में से फर्स्ट एडेंट्स जो है उसको क्या काम करते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी कि सम दिया हुआ है 4/1/2 माइनस 2/3/5, इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7, अनुभव कवर 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय साइकिल, 1/3 बाय कार एंड रेस्ट बाय बस, व्हाट फ्रैक्शन हिज जर्नी वाज कवर्ड बाय बस। तो अनुभव जो है वो कवर करता है 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय साइकिल, साइकिल से, तो साइकिल से 3/5। फिर बस से 1/3, तो दोनों को हम लोग क्या काम करेंगे, ऐड कर दिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए। रेस्ट जो बचा वो किससे है, बस से, तो रेस्ट हम लोग को निकालने के लिए क्या काम करना होगा, तो रेस्ट निकालना होगा तो होल पार्ट में से माइनस करेंगे, किसको, जो साइकिल से जर्नी हुआ है और जो कार से जर्नी हुआ है, वो दोनों को ऐड करके जो आएगा ना उसको हम लोग वन में से माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है 8, 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क कंटेन्स 4/1
liters, 5 mole 1 upon 4 liters and 3 mole 3 upon 4 liters of milk as per study. These packets impeded in our tank, how much milk is now in the tank? Tank में कितना होगा? मतलब तीनों packets में जो milk है, उसको हम लोग क्या करना है? हम लोग उसको tank में रखना है. Tank में रखने के बाद अब ये बताना है कि tank में कितना हुआ सो. तो तीनों जो milk है, वो 4 mole 1 upon 2 liters, 5 mole 1 upon 4 liters and 3 mole 3 upon 4 liters सबको हम लोग ऐड करेंगे. क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.